एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिश्र भिन्नों का जोड़। ऐसे सवाल करने में ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे सवाल होंगे। आज हम आपके एक एक डाउट को क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि इसी तरह की नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला, यहां पर देखिए चार सही तीन बट्टे पाँच दे रखा है और प्लस का निशान लगा है। यहाँ पर दे रखा है दो सही एक बट्टे तीन। इनको कैसे करेंगे? इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये वाली जो संख्या होती है इसका गुणा इसमें करते हैं हम। तो चार पन्ने बीस हो गए और इसका गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे और इस वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, पाँच का गुणा करेंगे चार में और प्लस का निशान लगाएंगे और तीन उसमें जोड़ देंगे, बट्टे पाँच करेंगे। अगली संख्या इसी तरह से सॉल्व करेंगे, दो का गुणा इसमें करेंगे तीन में, दो तीन छः, छः में एक जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे तीन गुणा दो और प्लस के वन बट्टे तीन। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। पाँच बीस, बीस और तीन तेईस, यहाँ हो गए तेईस बट्टे पाँच और यहाँ हो गए दो तीन छः और एक सात, सात बट्टे तीन। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों का हर का ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, पाँच और तीन का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पंद्रह। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो तीन बार जाएगा, तीन का गुणा करेंगे ऊपर, तीन तीन नौ, तीन दूनी छः और प्लस का निशान, इसका भाग देंगे इसमें, पाँच बार जाएगा, पाँच का गुणा कर देंगे ऊपर वाली संख्या में। ठीक है, पाँच सत्ते पैंतीस। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, पाँच और नौ होंगे हमारे चौदह, चौदह की चार आठ एक और छः और तीन होंगे नौ, नौ एक दस, एक सौ चार बट्टे पंद्रह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसका आंसर कितना होगा, एक सौ चार बट्टे पंद्रह। ठीक है, इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं हम, ये वाला। इसमें अच्छी तरह से समझना, जैसे इसमें समझा ऐसे ही इसमें समझना बच्चों। देखिए चार का गुणा करेंगे दो में, चार गुणा दो और एक इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, बट्टे चार लिखेंगे। इसी तरह से आगे पाँच चौक बीस, पाँच का गुणा चार में और प्लस के तीन इसमें जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, और नीचे लिखेंगे पाँच। अब इसको करेंगे सॉल्व, चार दूनी आठ और एक नौ, नौ बट्टे चार प्लस के पाँच सौ बीस प्लस तीन तेईस बट्टे पाँच। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा हमारा बीस, इसका भाग इसमें देंगे तो पाँच बार जाएगा, पाँच का गुणा इसमें देंगे, पाँच नम पैंतालीस, यहाँ कितने हो जाएंगे पैंतालीस, प्लस का निशान लगाएंगे, इसका गुणा इसमें देंगे, चार बार जाएगा, चार का गुणा इसमें कर देंगे, चौथिया बारह की दो हासिल एक, चार दूनी आठ एक नौ, नाइन्टी टू हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो होगा सात दो नौ तेरह, एक सौ सैंतीस बट्टे बीस, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इनको हमें मिश्र भिन्न में ही बदलना है तो हम क्या करेंगे, वो चीज़ देखने के लिए हमें एक इस तरह का करना पड़ेगा। जैसे हमारा आया था एक सौ सैंतीस बट्टे बीस,
तो यहाँ पर हम सवाल करके देखेंगे 137 का भाग देंगे 20 में, ठीक है दोस्तों। अब इसका भाग देंगे हम, क्या बार जाएगा, 6 बार, 6 दूनी 12 है, 120 बट्टे घटा देंगे हम 7, 17, कितना बचेगा 17। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ये वाली संख्या होती है ये होती है हमारी सही, ठीक है, और ये होता है ऊपर हमारा अंश, ठीक है, और ये वाली जो संख्या होगी उसको बोल देंगे हम हर। तो इसके लिए हम इस तरह इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, 6 सही 17 बट्टे 20, ठीक है, जो हमारी ये भिन्न थी हमारी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 सही 17 बट्टे 20, ये आ गई हमारी सही में, मिश्र भिन्न में, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना और ऑल पर सेलेक्ट कर देना, जिससे कि इसी तरह की नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।